हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के सवालों को। तो आज जो मैं टाइप लेकर आया हूं, उन सवालों में बच्चों को ज्यादातर दिक्कत होती है। या तो बच्चे उन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते, या तो सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा समय का यूज होता है। ऐसे सवाल एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर यह सवाल पूछा नहीं आता। मैं जितनी भी वीडियोस अभी निंजा टेक्निक सीरीज में करा रहा हूं और जितने भी टाइप के मैं सवाल करा रहा हूं, वो सवाल आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देखोगे कि अगर मैंने 10 से 12 अभी तक वीडियो करा दी है, आप एग्जाम जब देने जाओगे या मॉक टेस्ट देते होगे तो आप देखते होगे कि सारे मॉक टेस्ट के सेट में अगर 12 वीडियो की है तो 8 सवाल तो आपको 8 वीडियो से पक्का मिलता होगा। 2-4 सवाल अलग मिल जाते होंगे, भाई एक चैप्टर में कई सारे टाइप बनते हैं, तो मैंने अगर एक टाइप दो टाइप करा रखा है तो दूसरे टाइप का मिल जाता होगा। लेकिन ये मैं वो टाइप करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और आपको कैलकुलेशन में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं सब उन्हीं सारे सवालों को जिनमें आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है उन्हीं को मैं छोटा कर रहा हूं। तो आज भी ऐसे एक टाइप लिया है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, आपको समझने में दिक्कत होती है और आप उसको छोटे तरीके से नहीं लगा पाते हो। तो चलिए ऐसे सवालों को देखते हैं। मैं एक सवाल दिखा देता हूं आपको और फिर कोई भी एक सवाल, इतने सारे सवाल है, कोई भी एक सवाल में देख लो, पढ़ लो। कह रहा है एक प्रति राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय पर पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करो। देखो 2018 ग्रुप डी के एग्जाम में भी आया है और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के भी एग्जाम में आया है और ऐसे सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते रहते, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे, कुछ भी, सब में पूछा जाता रहता है। और इस सवालों को करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। बेसिक मेथड से आप इसको अगर करोगे तो इसमें द्विघात समीकरण बनता है और दो मान आते हैं। लेकिन हम लोग द्विघात समीकरण वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, मैं आपको बेसिक तरीके से इस सवाल को नहीं कराने वाला हूं। हाँ, कंसेप्ट हमारा बेसिक ही रहेगा लेकिन हमें सोच अपनी अलग करनी होगी। जो सोच के ये एग्जामिनर सवाल बनाता है, एग्जामिनर इस सवाल को बनाने के लिए कुछ सोचता है, हमें भी वही सोचना होगा। क्या सोच के एग्जामिनर ने सवाल बनाया है, चलिए उस चीज की तरफ हम लोग चलते हैं और फिर धीरे धीरे अगर हमने एग्जामिनर की सोच को पकड़ लिया तो भाई हम भी फिर फटाक से आंसर तक पहुंच जाएंगे। जैसे अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में बात करें तो जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई 120 किलोमीटर की दूरी चलना है या 48 किलोमीटर की दूरी चलना है, तो भाई जैसे अगर 120 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं तो किसी स्पीड से और किसी निश्चित समय में चल रहे होंगे। मान लो भाई मैंने बोला कि 20 की स्पीड से चल रहे हैं तो कितनी देर चले होंगे, 6 घंटा चले होंगे। मैंने बोला 15 की स्पीड से चल रहे हैं तो कितनी देर चले होंगे, 8 घंटा चल रहे होंगे। मैंने बोला 12 की स्पीड से चल रहे होंगे तो कितनी देर चल रहे होंगे, 10 घंटा चल रहे होंगे। आप देख रहे हो ये जो डिस्टेंस है इसी के मैं दो फैक्टर कर रहा हूं, तो एक आपका स्पीड आ जा रहा है और एक आपका क्या आ जा रहा है, टाइम आ जा रहा है। ये डिस्टेंस के मैं दो फैक्टर कर रहा हूं तो एक आपका स्पीड आ जा रहा है, दूसरा आपका क्या आ जा रहा है, टाइम आ जा रहा है। ये आपका स्पीड आ जा रहा है और ये आपका क्या आ जा रहा है, टाइम आ जा रहा है। अब देखो अगर मैं स्पीड बदल रहा हूं तो टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पीड बदल रहा हूं तो टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, स्पीड मैंने कम किया तो टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। स्पीड फिर कम किया तो टाइम क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। स्पीड मैंने बढ़ाया तो स्पीड मैंने क्या किया, बढ़ाया, तो टाइम मेरा क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड मैंने बढ़ाया तो टाइम मेरा क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरीके से यहां पर भी 48 को लिख सकते हैं, 6 × 8 12 × 4 या कुछ भी लिख सकते हो, 16 × 3। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर सोचता है, सवाल जब बनाता है तो एग्जामिनर इस तरीके से सोचता है कि एक मैं दूरी फिक्स कर देता हूं, एक मैं उसकी स्पीड दे देता हूं और उसका टाइम देख लेता हूं। ऐसे लिख लिया उसने, उसने क्या किया कि इन दोनों का अंतर बोलेगा कि स्पीड को मैंने, अगर स्पीड मैं 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दूं, रिड्यूस कर दूं, घटा दूं, तो जो टाइम होता है वो 2 घंटा ज्यादा लगता है, 2 घंटा ज्यादा लगता है। ये तो मतलब हुआ ना। अगर हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे, स्पीड मैंने क्या किया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दिया तो टाइम हमारा क्या है, 2 घंटा बढ़ गया। अब यहां पे हमें क्या है, स्पीड का भी अंतर दिया हुआ और हमें क्या है, टाइम का भी अंतर दिया हुआ है। यह है कॉन्सेप्ट, यह है एग्जामिनर की सोच और आपको भी इसी सोच से सारे सवालों को हल करना होता है। तो चलिए सवाल को देखते हैं और फिर सवालों में हम यही तरीका, यही अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। डिस्टेंस दे रखी कितनी है, 96 किलोमीटर, यह तय की। कह रहा है यदि वह 4 प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे चलता, कह रहा है स्पीड कितनी कम कर लेता, 4 घंटा
जो स्पीड से जा रहा है अब उसका कम कर दिया 4 घंटा, हमें पहले की स्पीड नहीं मालूम है, हमें बाद की स्पीड नहीं मालूम है, हमें चाल का अंतर मालूम है। तो कह रहा है उसे अगर भाई स्पीड कम कर देगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो क्या कह रहा है पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता, टाइम बढ़ गया। यह भी क्या है, समय का अंतर है, ना पहले का समय मालूम है ना बाद का समय, समय का अंतर मालूम है, जो अभी मैंने सवाल बदला था। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड चेंज करेंगे तो टाइम भी चेंज जाएगा। चेंज स्पीड में कितना परिवर्तन है, समय में कितना परिवर्तन है, ये आपको दे रखा है और आपसे ये सारा इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो अगर आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन के बारे में सोचोगे तो आप सवाल को उस तरीके से देख ही नहीं पाओगे। आपको सवाल को किस तरीके से देखना है, ये नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ बता देगा, ये आपको कुछ बताए चाहे ना बताए लेकिन ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा हमको। तो इसी सवाल में अगर हम लोग इसको पकड़ के चलेंगे तो हम सवाल पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर हम इसको पकड़ के चलेंगे तो हम सवाल पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब सवाल को जल्दी हल करने के लिए भाई हमारे पास एग्जामिनर क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है, तो हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। यहां पे क्या है कि भाई हमको गुणनखंड करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ रहा था कि 120 के कितने गुणनखंड होंगे, किस क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। यहां पे तो हमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं, भाई सवाल ने 4 ऑप्शन पहले से दे रखा है तो भाई इसी से तो हमको बनाना है ना, आंसर तो हमारा इन्हीं में से कोई होगा ना। तो हम चलिए फटाफट कैसे सोचेंगे सवाल को। कह रहा है हमें कौन सी गति बनानी, जिस किसान पर वास्तव में चला रहा था ओरिजिनल, ये जो हमारे आंसर दे रखे हैं ये हमारी ओरिजिनल स्पीड दे रखी है, इनमें कोई ना कोई एक आंसर सही होगा बाकी 3 गलत होंगे, तो ये ओरिजिनल स्पीड है। सवाल के हिसाब से क्या कह रहा है, 4 हमको कम कर देना है। मान लो अगर ये ओरिजिनल स्पीड है तो 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। सवाल के हिसाब से मान लो पहले इससे चलता था, अब किससे चलेगा, इससे चलेगा। 16 से चलता था तो 4 कम कर देंगे, 12 से चलेगा। 18 से चलता था 4 कम कर देंगे, 14 से चलेगा। 15 से चलता था 4 कम कर देंगे, 11 से चलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जो भी हमारा स्पीड है वो हमारे इसके क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे मैंने बोला 120 को अगर 2 भाग में बांटेंगे, 20 × 6, तो इसमें भाई 20 से भी भाग चला जाएगा, 20 से भाग चला जाएगा कि नहीं, कितनी बार जाएगा, 6, और इसमें 120 में 6 से भी भाग चला जाएगा पूरा। तो जो भी हमारे सवाल होते हैं इसका फैक्टर हमारा ऑप्शन होता है, और ऑप्शन से पक्का इसमें भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले यह देखना है कि किन किन ऑप्शन से इसमें भाग जा सकता है, और दोनों स्पीड से भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक स्पीड से या दूसरी स्पीड से, नहीं, दोनों स्पीड से भाग जाना चाहिए। तो मैंने बोला 96 है, 96 में 14 से भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं होगा। 96 में 11 से भी भाग नहीं जाता, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 18 से भी भाग नहीं जाएगा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, अगर मैं 12 से भाग दूं चला जाएगा, 8 से भाग दूं चला जाएगा, 16 से भाग दूं चला जाएगा, 12 से भाग दूं चला जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अगर ये हमारी क्या है, स्पीड है, तो भाई टाइम निकाल लेते हैं। स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस के बराबर। 12 से भाग दिया तो टाइम हमारा कितना आ गया, 8। 8 से भाग दिया तो टाइम हमारा कितना आ गया, 12। एक टाइम 8 आ गया, एक टाइम 12 आ गया। अंतर की बात करें तो अंतर हमारा कितना आ गया, 4। लेकिन सवाल के हिसाब से अंतर कितना दिया हुआ, 2 घंटा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यहां पर बात करें 16 × 96, टाइम कितना आ गया, 6। यहां पर भाग दें 12 × 96, टाइम कितना आ गया, 8 आ गया। 8 और 6 का अंतर करोगे कितना आ जाएगा, 2। यही हमारा आंसर है। कोई बेसिक मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं, जिस सोच से एग्जामिनर ने सवाल बनाया बस मैंने वही सोच लिया और सवाल को कर दिया। अब देखो फटाफट करना है, अगर हमें कोई दूसरा सवाल एग्जाम में आया कैसे सोचना है, फटाफट। कह रहा है एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की, स्पीड में चेंज दिया हुआ है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है, टाइम का भी अंतर दिया हुआ है, स्पीड का भी अंतर, समय का भी अंतर, और हमको क्या दे रखिए, डिस्टेंस दे रखिए। इसकी सामान्य चाल मतलब वास्तविक चाल मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या है, जो सवाल में कह रहा है 5 किलोमीटर बढ़ाना है, तो अगर मान लो ओरिजिनल 30 है तो बढ़ाओगे कितना आएगा, 35 आएगा। ओरिजिनल 20 है बढ़ाओगे कितना आएगा, 25 आएगा। ओरिजिनल 25 से बढ़ाओगे कितना आएगा, 30 आएगा। ओरिजिनल 35 से बढ़ाओगे कितना आएगा, 40 आएगा। मैंने बोला ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में 35 आ रहा है, 300 में 35 से भाग ही नहीं जाएगा। हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे, या तो सी होगा या तो डी होगा। मैंने बोला अगर मैं 20 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा, 20 से भाग दिया 0 कट गया, 15 आ गया। 25 से भाग दूंगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अंतर की बात करूंगा तो अंतर कितना आ गया, 3 आ गया। भाई ये भी हमारा आंसर नहीं है, इसको देखते हैं। 25 से भाग देंगे 12 आ जाएगा, 30 से भाग देंगे 10 आ जाएगा, 12 और 10 का अंतर कितना आ गया, 2। यही हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे हो कितने फास्ट तरीके से हम सवाल को हल कर पा रहे हैं, कोई बेसिक मेथड नहीं लगाया, कोई इक्वेशन नहीं बनाई, कोई द्विघात समीकरण नहीं बना, किसी वैल्यू को पुट नहीं किया, जो ऑप्शन दिया उसी का यूज करके फटाक से आंसर निकाल दिया। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से
तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा लगते। स्पीड कह रहा है 3 कम, निकालना क्या है वास्तविक गति। कई बार बढ़ी हुई गति भी पूछ लेता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कौन सी गति निकालना, वास्तविक गति। कम कर रहे हैं गति को, क्या कर रहे हैं कम, ये मान लो वास्तविक गति है तो कम कर दिया, 7.5 में से 3 कम करोगे 4.5, 18 में से 3 कम करोगे 15, 9 में से 3 कम करोगे 6, 15 में से 3 कम करोगे 12 आ जाएगा। हमें क्या करना है 90 में भाग देना है, 15 से पूरा जा रहा है 12 से पूरा नहीं जा रहा भाई, 1 से पूरा जाएगा 1 से पूरा नहीं जाएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में हमारा आंसर दिया नहीं तो यह आंसर नहीं होगा। 7.5 से भी चला जाएगा, 4.5 से भी चला जाएगा, 18 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, 9 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा। अब टाइम निकालना पड़ेगा, 7.5 से 2 गुना 15, 15 छक्का 90 मतलब 12 का गुणा हो रहा है, ये हो गया 12, और यहां पे देखोगे तो ये 20 हो गया भाई, 12 8 20, समय का अंतर 5 चाहिए, यहां पे अंतर कितना आ रहा है 8, ये आंसर नहीं है। 18 5 90, 15 छक्का 90, ये भी आंसर नहीं है भाई, समय का अंतर कितना आ रहा है 1, 9 दहा में 90 और 15 छक्का 90, समय का अंतर कितना आ रहा है 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 और 15 समय का अंतर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो कितनी जल्दी हम सोच पा रहे हैं और कितनी जल्दी हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। आधे से ज्यादा तो भाई पेन चलाना नहीं, हम तो आपके लिए पेन चला रहे हैं, आप तो इसको मन में भी सोच सकते हो ना, जल्दी जल्दी भाग दे लो, इस नंबर से भी भाग दे लो, इस नंबर से भी भाग दे लो, मन में भाग दे लो, और अंतर बस आपको निकालना है कि अंतर कितना आना चाहिए, जो सवाल में समय का अंतर दिया हो वही समय का अंतर बनना चाहिए, दोनों बार दोनों स्पीड से भाग दो टाइम आएगा, दोनों का अंतर ये जो आपके सवाल में दिया है वही मिलना चाहिए, ठीक है। और सवाल करते हैं, कह रहा है एक कार एक समान गति से 715 किलोमीटर चलती है, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे उस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। फिर से यहां पर क्या है, स्पीड कह रहा है बढ़ा रहा है और समय क्या कर रहा है कम कर रहा है, स्पीड का भी अंतर समय का भी अंतर और डिस्टेंस क्या है फिक्स है, तो कह रहा है कार की मूल गति। अब हमें क्या कर रहा है, स्पीड बढ़ानी है तो 45 से 10 बढ़ाओगे 55, 60 से 10 बढ़ाओगे 70, 55 से 10 बढ़ाओगे 65, 65 से 10 बढ़ाओगे 75। अब भाई इस नंबर को पकड़ना पड़ेगा हमको कि ये किससे भाग जा रहा है, देखो 25 से तो पूरा नहीं भाग जाएगा, 25 से नहीं जाएगा तो मतलब 75 से नहीं जाएगा, 5 1 6 3 से भी भाग नहीं जा रहा मतलब इससे भाग नहीं जाएगा, 45 से भी भाग नहीं जाएगा भाई, 9 से भाग ही नहीं जाएगा क्योंकि देखो 5 1 6 7 6 13 हो रहा है, 9 से भाग नहीं जाएगा, 55 65 और 7 से भी भाग नहीं जाएगा, 7 से भी भाग नहीं दिख रहा है तो ये भी आंसर नहीं, आंसर हमारा यही हो जाएगा। लेकिन आंसर तो हमने सोच लिया ही होगा, लेकिन वेरीफाई तो कर लें। अब 55 दिख रहा है 65 दिख रहा है तो मुझे इसमें 11 दिख रहा था और 5 भी दिख रहा था, मैंने बोला इसको 11 से भाग देते हैं, 11 से अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना बचा 65 बचा, 65 को भी अगर मैं ब्रेक कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 13 × 5 हो जाएगा। अब अगर मेरी स्पीड 55 है तो 55 से भाग दे दिया आंसर कितना आ जाएगा, समय 13 आ जाएगा, और अगर 65 से भाग दे दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 11 समय आ जाएगा। समय का अंतर की बात करो तो अंतर कितना आ गया 2 घंटा, सवाल के हिसाब से भी कितना है 2 घंटा, मतलब यही हमारा क्या आंसर। अब देख रहे हो इवन दो हम कैलकुलेशन के पहले ही हम श्योर हो गए थे कि हमारा आंसर सी है, लेकिन कैलकुलेट किया तो भी हमारा आंसर क्या रहा है, सॉरी बी। तो आप देख रहे हो कितनी जल्दी हम सवालों को कर पा रहे हैं, फोकस हमारा किस पे, इस पे, ये हमारा फिक्स है, इसी के फैक्टर्स हमारे क्या होंगे आंसर होंगे, तो जो भी हमारा ऑप्शन है उससे बस भाग देके आपको देखते रहना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती। कार की चाल कितनी थी, पहले वाली चाल बतानी, क्या कर रहा है 10 किलोमीटर बढ़ा रहा है, 60 10 70 40 10 50 50 10 60 55 10 65, मैंने बोला ये हटा दो, 11 से भाग जाएगा नहीं, 13 से भी भाग जाएगा नहीं, हटा ही दिया, 60 70, 7 से भी भाग जा रहा है, 6 से भी भाग जा रहा है, 6 से भाग दोगे 7 बार, 7 से भाग दोगे 6 बार, समय का अंतर कितना दे रखा है 1 घंटा कम, लो हो गया, पहले ऑप्शन हमारा मैच कर गया, 7 और 6 का अंतर हमारा कितना आ रहा है 1 घंटा, यही हमारा आंसर हो गया। आगे चेक करोगे आएगा नहीं, 40 से भाग दोगे दशमलव में जाएगा, 50 से भाग दोगे दशमलव में जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर अलग आएगा, भाग चला जाएगा लेकिन अंतर अलग अलग आएगा। अच्छा देखो, जैसे अभी एक सवाल हम लोगों ने किया था 7.5 × 12 भी हमारा किसके बराबर होता है 90 के बराबर होता है, तो दशमलव में भी कई बार भाग जाता है तो उसको हम लोग ऐसे लेंगे कि वो भाग जा रहा है, ठीक है। जैसे 12 से भाग दिया तो 7.5 बार गया, फिर इसी तरीके से और किसी नंबर से भाग दिया तो 4.5 बार गया, अंतर कितना आ गया 3, तो भाई यहां पे पूरा नंबर मिल रहा है, यहां पे दोनों दशमलव में है लेकिन यहां पे पूरा नंबर मिल रहा है, तो भाग देने का मतलब यह है कि पूरा पूरा भाग चला जा रहा है भले दशमलव में जा रहा है, ठीक है। और भाग ना जाने का मतलब नीचे दूसरा प्राइम नंबर है जैसे ऊपर कट ही नहीं रहा, जैसे नीचे 7 है ऊपर 7 का कोई फैक्टर नहीं है तो 7 कटेगा ही नहीं, मतलब वो दशमलव बढ़ता ही चला जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 100 किलोमीटर की यात्रा में कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर, 10 बढ़ा रहा है
40 से 50, 30 से 40, 50 से 60, 25 से 35, मैंने बोला ये हटा दो, 30 से 40 हटा दो, दो ऑप्शन बचे 50 से 60, ये भी हटा दो, 6 से भाग नहीं जा रहा है। देखो एक सेकंड में, मतलब हमने कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं किया, हमने क्या कि इस नंबर को पकड़ा और इसके फैक्टर में भाग जाना चाहिए, बस यही सोचा, इन तीनों ऑप्शन से भाग नहीं जा रहा था। चलो इसको भाग देके देख ले, अंतर कितना आना चाहिए, 30 मिनट, 30 का मतलब हो गया आधा घंटा, मतलब फ्रैक्शन में बनेगा, ठीक है, 0.5 आएगा। अगर हम 40 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2.5 बार भाग जाएगा। 50 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, दो बार भाग जाएगा। अंतर निकालेंगे कितना है, 0.5 या 1/2 घंटा या 30 मिनट। बात क्लियर होगी, और आगे बढ़ते हैं। विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर की दूरी, यह डिस्टेंस है, 10 मिनट कम समय लगा होता। यहां पे टाइम देखो क्या है, मिनट में दिए हैं। जब भी समय मिनट में मिले तो थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा, घंटे में मिले तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर आएगा। जब भी आंसर मिनट में मिले तो मतलब जो हमारा घंटा आया होगा वो फ्रैक्शन में आया होगा, फिर हमने उसमें 60 का गुणा करके हमने क्या किया होगा, उसको मिनट में बदला होगा, ठीक है। तो हमें यह याद रखना है कि इसमें 60 का गुणा करने के बाद भी भाग जाना चाहिए, मतलब 4 है और 4 में 60 का गुणा कर दें तब नंबर से भाग जाना चाहिए। तो आप ऐसे लिख लो। अब कह रहा है कितनी स्पीड बढ़ानी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलना है, तो 7 से कितना हो गया, 9, भाई 7 से ही भाग नहीं जाएगा, खत्म। 4 से बढ़ा दिया कितना है, 6, 6 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, ये हो सकता है। 5 से बढ़ा दिया कितना हो गया, 7, ये भी आंसर नहीं, हटा दिया। 6 से बढ़ा दिया कितना, 8, 8 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी भाग चला जाएगा। तो या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है। 4 और 6 से भाग देके देखते हैं, 4 से भाग देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 60, और 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना आ गया, 20 मिनट आ गया। यहां पर देखो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 40 आ गया, 6 से भाग दिया तो 40 आ गया, और अगर 8 से भाग देंगे तो 8 पचे 40, 5 छह 30 आ जाएगा। 40 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। देखो ये हमारा आंसर है। हमने डायरेक्ट क्या किया, डिस्टेंस में 60 का गुणा कर दिया, क्योंकि हमारे उत्तर में क्या आता, फ्रैक्शन में वैल्यू आती घंटे में, और मिनट में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 60 का गुणा करना पड़ता, तो मैंने पहले ही डिस्टेंस में 60 का गुणा कर दिया और फिर भाग देके देख लिया, जिससे भाग चला गया, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ा जाए। चलो अगले सवाल की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रति राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है, ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय पर पहुंचती है, ट्रेन की वास्तविक गति क्या है। देखो ये हम लोगों ने स्टार्ट में सवाल देखा था, ये थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन सवाल वही है। 6 मिनट समय का अंतर है, कहीं पे जाने में उसको 6 मिनट की देरी होती है। कह रहा है स्पीड कितना बढ़ा देती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इतने से स्पीड बढ़ा दी, समय पर पहुंचेगी, 6 मिनट देरी से है, समय पर पहुंचेगी, मतलब क्या है, 6 मिनट बचा लेगी, 6 मिनट उसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, वही मतलब हो गया ना। ये अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कितना समय बचा रहे हैं, इतना समय बचा रहा है। कितनी दूरी बची है चलने के लिए, इतनी दूरी बची, 36 किलोमीटर के लिए अगर वो कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दे तो समय क्या हो जाएगा, 6 मिनट कम हो जाएगा। फिर से मिनट में आंसर दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, 36 × 60 लिख लेंगे। अब मुझे क्या करना है, कितनी स्पीड बढ़ानी है, 4, 20 × 4, 24, 24 से भी भाग जाएगा, 20 से भी भाग जाएगा, 36 और 4 कितना हो गया, 40, 36 से भी भाग जाएगा, 40 से भी भाग जाएगा, 26 और 4 30, 26 से भाग नहीं जाएगा भाई इसमें 13 है, 30 और 4 34, 34 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, 17 है। हमारे पास में दो ऑप्शन है, 20 और 24, अगर 20 से भाग दिया तो कितना जाएगा, 20 से भाग दिया 3, 36 दिया कितना हो जाएगा, 108, और अगर 24 से भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, 2 × 18 = 90, अंतर 6 मिनट आ रहा नहीं आ रहा, भाई ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। 20 से भाग देना तो आसान था ना, 36 से 108 हो गया, और 24 से भाग देने के लिए मैंने 12 से भाग दे दिया, 5 बचा, नीचे 2 बचा था, 2 से भाग दे दिया 18, 18 × 5 = 90, 90 मिनट, तो 108 और 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 मिनट। हमको कितना चाहिए, 6 मिनट, ये भी आंसर नहीं। 36 से भाग दे देते, 36 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, 60 मिनट, और 40 से भाग दे देंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और 9 × 6 = 54 मिनट आ जाएगा, 60 और 54 मिनट का अंतर कितना आ गया, 6 मिनट, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो
किसी भी सवाल में हम लोगों ने कोई भी बेसिक मेथड नहीं लगाया, कोई भी द्विघात समीकरण नहीं बनाया और सारे सवालों को कर दिया। आप देखो हर सवाल अलग अलग एग्जाम में, मैंने अलग अलग एग्जाम के ले रखे हैं, ग्रुप डी के भी ले रखे हैं, आरपीएफएसआई के भी ले रखे हैं, पैरामेडिकल के भी ले रखे हैं। अब देखो अलग अलग एग्जाम के हैं लेकिन सवाल का पैटर्न क्या है, सेम है। पुराना पहले भी सवाल आया, ऐसा नहीं कि नया ही सवाल आता है। देखो 2004, 2016, 2013 हर बार ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, 2005, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सवाल एकदम नया है, लेटेस्ट पैटर्न का है, ये पुराना है, बार बार रिपीट करता रहता है, पूछता ही रहता है। 2005, 2003, 2010, 2012, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30, 40, 50, जब तक एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टाइप का सवाल है और बच्चे इसको बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन से करते हैं। तो आपको लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको कौन सा तरीका लगाना है, निंजा टेक्निक लगाना है और एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है और फटाफट आंसर को निकाल देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर और भी साथी हैं आपके तैयारी करते हैं तो उन सभी के साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करिए। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।